हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोगों को। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से एक नया गैजेट लेके आया हूँ। गैजेट यानी कि एक नया फोन लेकर आया हूँ जिससे आपका दिल और दिमाग दोनों फिदा होने वाला है। जिस फोन की हम बात करने वाले हैं 28 जनवरी को लॉन्च हो चुका है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस फोन की लुकिंग की बात करें तो इसका लुकिंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है। दोस्तों इसका जो बैक साइड है, बैक साइड से काफ़ी बेहतरीन बनाया गया। इसकी जो बॉडी है बैक साइड की, वो प्लास्टिक बॉडी है। दोस्तों इस फोन की एक खास बात यह है कि जो इसके एजेस हैं वो कॉर्नर शेप में बनाए गए हैं, बोल टाइप में नहीं। बहुत से लोगों ने जो सर्कल टाइप में होता है, सर्कल टाइप में नहीं है बिल्कुल। ये एजेस जो है इसके हमारे कॉर्नर टाइप में। अब दोस्तों इसको अगर आप फ्रंट से देखोगे, फ्रंट से आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, लेकिन इसके डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले साइज है। इसकी बॉडी प्लास्टिक फ्रेम में है और डुअल सिम साइज़ है जो कि आप दो सिम का यूज कर सकते हैं। और जो इसका जो हमारा डिस्प्ले साइज़ है, डिस्प्ले में हमारा जो 83% जो है डिस्प्ले से कवर है, बाकी का 17% हमारा जो है प्लास्टिक और अन्य चीज़ों से कवर है। इसका रेजुलेशन 20:9 है और 269 PPI डेंसिटी है। दोस्तों PPI डेंसिटी के बारे में आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। PPI का मतलब होता है पर पिक्सल इंच, आप एक इंच के अंदर कितना क्लियर वीडियो या इमेजेस देख सकते हैं। दोस्तों जिसका जितना कम PPI होगा उतनी ख़राब क्वालिटी होगी, जितना ज़्यादा PPI होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। सीधी सी बात है, अगर आप कभी भी फ़ोन लेने जाते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि कभी भी फ़ोन ले रहे हैं तो उसका PPI ज़्यादा से ज़्यादा हो, ना कि आप देख सकते हैं इस फ़ोन का PPI आप चेक कर लेना और किसी और फ़ोन से भी कंपेयर करके देख लेना। दोस्तों जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से PPI दे रखा है। बाकी कंपेयर की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए बाकी का आगे और चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसका एंड्रॉयड OS जो है 12 है और इसके चिपसेट की बात करें तो MediaTek Helio है। बहुत से लोगों को MediaTek का जो प्रोसेसर है वो पसंद नहीं आता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं MediaTek भी अपने आप में एक ब्रांड है जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा प्रोसेसर चिपसेट बनाती है। इसके CPU की बात करें तो 2.4 GHz का इसका CPU है और उसका GPU जो है PowerVR का, इसमें मेमोरी कार्ड डेडिकेटेड है, आप अलग से भी लगा सकते हैं। और इसका जो रैम साइज है 3 GB है और इंटरनल साइज 64 GB है, जो कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही कम है। लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसका प्राइस चल क्या रहा है इस टाइम मार्केट में। कैमरे की बात करें तो इसका जो रियर कैमरा है 13 MP का इसका रियर कैमरा है जो कि फुल HD क्वालिटी में आपका वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। इसका फ्रंट का कैमरा जो है, फ्रंट का कैमरा थोड़ा कम है, इसका फ्रंट का कैमरा 5 MP है जो कि 720p में इसका वीडियो रिकॉर्ड होता है। दोस्तों सीधी सी बात बता दूं आपको, जो इसका रियर कैमरा है, रियर कैमरा मैंने अपने दोस्त के पास फोन को चला के भी देखा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन फ्रंट का कैमरा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं भी पैसा लगा रहे हो तो उस चीज़ को, वो आपके ऊपर है कि आप पैसा लगा रहे हो तो आपको उस चीज़ पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी प्राइस के हिसाब से तो मुझे ठीक लगा। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ब्लूटूथ, GPS, सारी चीज़ें। एक चीज़ आपको नहीं मिलेंगी, NFC महंगे फ़ोनों में आते हैं, आपको पता है 20,000 से ऊपर का फ़ोन होता है तो उसमें आता है, अन्यथा उसमें भी नहीं आता, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा। सेंसर की बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा जो कि आप फिंगर से अपने फ़ोन को अच्छी तरीके से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे को लगा था पहले कि इसमें शायद फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं होगा क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा ही कम है और 3 GB रैम में आजकल फिंगरप्रिंट सेंसर कौन देता है। तो दोस्तों मैंने चेक किया, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी है काफ़ी, लेकिन इस बजट में फिंगरप्रिंट सेंसर। इसकी 5000 mAh की बैटरी है जो कि और फ़ोनों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप कोई बड़ा फ़ोन लेते हैं तो उसकी बैटरी आपने भी देखी होगी लगभग 5000 mAh की होती है और इसका भी 5000 mAh की है, तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ही चलेगा। और जो इसका चार्जर एडेप्टर होगा वो 10 वाट का होगा सी टाइप, लेकिन दोस्तों 10 वाट का जो चार्जर है इसका फास्ट चार्जर नहीं होगा, फास्ट चार्ज नहीं करेगा, फास्ट स्लो चार्ज करेगा लेकिन ठीक ठाक चार्ज करेगा। जैसे आपके पहले फ़ोन आते थे जिस हिसाब से चार 2 घंटे 2.5 घंटे में चार्ज, उसी हिसाब से चार्ज करेगा। आप ये मत सोचना कि सी टाइप है तो फास्ट चार्ज ही करेगा, क्योंकि जो इसका USB केबल है 2.0 का होगा। और दोस्तों आपको एक बार फिर से और बता देता हूँ, इसकी बैटरी को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, बैटरी इसके अंदर पूरी तरीके से लॉक होगा, बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस फोन का स्पेसिफिकेशन कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आया हो, अगर इस वीडियो के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, इस फोन के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।